आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको किचन की छोटी छोटी टिप बता रहा हूँ, जैसे कि हम हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कड़ी पत्ता या मेथी को लंबे टाइम के लिए इसको रख सकते हैं 10 से 15 दिन। तो इसके लिए क्या करना है, हमने जैसे जैसे सिंपली हमने हरा धनिया लिया, उसको धो के उसको थोड़ा ड्राई कर लें, सुखा लें उसका पानी को, एक कपड़े में रख दें और पंखा चला दें तो पूरा पानी सूख जाता है। फिर आप एक डब्बा लें, उसमें एक टिश्यू पेपर बिछाएं, टिश्यू पेपर नहीं है तो एक कॉटन का कपड़ा भी चलेगा, और धनिया को साफ करके ऐसा थोड़ा एकदम बारीक नहीं काटें, थोड़ा बड़ा बड़ा काटें, जो कि आप उस समय उसको थोड़ा और कर दें। तो इस तरह से उसको एक डब्बे में आप रखें, आप पूरा यकीन मानिए ये 15 दिन तक आपका ये धनिया ख़राब नहीं होगा, इसको आप 15 दिन तक चला सकते हैं। इस तरह से इसको डब्बे में रख दें, क्योंकि इसका कारण क्या है, जो हमने टिश्यू पेपर लिया ये नमी को सोख लेता है और आपका धनिया एकदम फ्रेश रहता है और एकदम हरा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप हरा धनिया को धो के सुखा के कपड़े में वो करके रख सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से आप टिश्यू पेपर में रख दिया और ये अभी कम से कम आपके 10 से 15 दिन तक चलेगा पूरा आराम से एकदम फ्रेश। तो आपको डेली वो धनिया ख़राब होने का या इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो और इसी तरह से हम मेथी को लेंगे, मेथी को भी हम ऐसे एक एक इसका पत्ता जो जितना कावला डंडा के साथ ही तोड़ेंगे। मेथी भी हमने पहले धो के रखी है और इसको साफ करके रखा है। तो इस तरह से मेथी के कावले पत्ते को निकाल लेंगे, अच्छी तरह से इसको पूरा तोड़ के रखेंगे, और इसको भी एक डब्बे में आप ऐसे ही टिश्यू पेपर में लगा के रख सकते हैं। नॉर्मली हम मेथी लाते हैं, 2 दिन नहीं बना, 3रे दिन में ये ख़राब हो जाता है, कोई भी हरी सब्ज़ी फिर ख़राब हो जाती है। तो उसको रखने के लिए ये बहुत बढ़िया आइडिया और बहुत अच्छा रहता है, वैसे आपका धनिया ये अपना मेथी या धनिया या पालक ये ख़राब नहीं होता है। जो थोड़ा गल गया या ख़राब हो रहा है उसको निकाल दें, क्योंकि अगर एक पत्ती भी ख़राब होगी तो दूसरी पत्ती को ख़राब करती है। तो थोड़ा आप चेक करके इसको रखें, तुम्हें हम रख सकते हैं। अगर डब्बा नहीं है तो आप इसको इस तरह से इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं एकदम, तो एक उसमें रख सकते हैं आराम से। फिर इसको आप इस तरह से पूरा मेथी को, लेकिन जो ख़राब पत्ता है उसको निकाल दें, वो जल्दी ख़राब करता है, इसलिए धो के इसको सुखा के ही रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं तिवारी जी का चैनल। अगर आपने इसको ये वीडियो आपको अच्छा लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, बाकी लोगों को भी बताएं कि आप किस तरह से आप घर में